बच्चों, हम रिवीजन कर रहे हैं, ये आपको हम बार बार बता रहे हैं। इसमें जो भारत का विभाजन है उस चैप्टर से हम प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हमने और देखे थे, आज हम प्रश्न 6 में देखेंगे, ब्रिटिश भारत का बंटवारा क्यों किया, मतलब भारत का बंटवारा क्यों किया। कल भी हम देख रहे थे कि भारत की जो शक्ति को वह निर्बल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बंटवारा किया, क्योंकि शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत को उभरता हुआ नहीं देखना चाहते थे। तो यहाँ पर देखेंगे ब्रिटिश की कूटनीति। भारत का विभाजन तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण ब्रिटिश की कूटनीति थी, जिसमें कि ये चीज़ हमने कल भी बताया था कि फूट डालो शासन करो की नीति थी, जिसमें कि वे सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रारंभ विस्तार अंग्रेजों को फूट डालो राज करो की नीति के ज्वलंत उदाहरण थे। पहले भी जब उन्होंने 100 साल शासन किया तो वो इसी नीति के कारण उन्होंने यहाँ पर 100 साल करीब शासन किया, क्योंकि यहाँ पर क्या करते थे, वो आपस में ही राजाओं को आपस में लड़ा देते थे और जो जीत जाता था उसे बोलते थे कि हमारी मदद से आप जीते हैं, और उनसे पूरा जो शासन का जो खर्च होता था वो पूरा उस राज्य से लेते थे। इस तरह से वे कूटनीति के कारण फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाते हुए उन्होंने 100 साल का शासन किया। फिर देखेंगे मुस्लिम लीग सांप्रदायिक दृष्टिकोण। इसमें मुस्लिम लीग के संकीर्ण सांप्रदायिक दृष्टिकोण में, जिसमें हिंदू मुसलमान मतभेद उत्पन्न करने की अंत पाकिस्तान निर्माण का एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, मतलब हिंदू मुसलमान के जो काम मेन कारण था मतभेद, जिसके कारण कि पाकिस्तान का उदय हुआ या उसका निर्माण हुआ। इस तरह से अल्पसंख्यक मुसलमानों और बहुसंख्यक हिंदुओं की भारी खतरा था, इस तरह की ये भावना उन्हें फैला दी गई। साथ ही साथ 1937 में जब मुस्लिम लीग के लखनऊ के अधिवेशन में सांप्रदायिकता की अग्नि को भी वहाँ पर हवा देने की कोशिश की गई थी, जिसमें जिन्ना ने यह काम किया था, और भारत की राष्ट्रभाषा होते हुए भी वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा, यह झंडे के प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, उसका आदर करना पड़ेगा, इस तरह से सांप्रदायिक दृष्टिकोण उनके मन में डाला गया था। इसी तरह से कई बार ऐसे तो उपमहाद्वीप जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो थे वो सीमित स्वायत्त की मांग कर रहे थे, मतलब वो भी एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे थे, और यहाँ जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे वे भी स्वयं को स्वतंत्र की मांग कर रहे थे। फिर उसके बाद देखेंगे कांग्रेस लीग की जो प्रतितुष्टिकरण की जो नीति थी, भारतीय कांग्रेस ने तुष्टिकरण की नीति अपनाई, जिसमें देश को क्या किया, अखंडता को घातक सिद्ध हुई, क्योंकि कांग्रेस ने बार बार लीग को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया, लेकिन मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की शिथिलता त्रुटिपूर्ण नीति, जिन्ना को विश्वास हो गया था कि परिस्थितियों में विवश होकर कांग्रेस जो है विभाजन के लिए तैयार हो जाएगा, इस स्थिति का जिन्ना ने उसका फ़ायदा उठाया, और आखिर में वही हुआ जिसमें कि जो कांग्रेस था वह विभाजन को बचना चाहते थे, भारत का विभाजन नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी कमजोरी के कारण यह भयंकर विनाश से बचने के लिए और कांग्रेस को विभाजन जो है वह स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि देश में जो था गृह युद्ध की आग जो है वह जलने लगा था, सांप्रदायिक भावना तनाव भी बढ़ गया था, इन सब से मुक्ति पाने के लिए, इनको शांत करने के लिए विभाजन को स्वीकार किया गया। फिर कांग्रेस की भारत को शक्तिशाली इच्छा, शक्तिशाली बनाने की जो इच्छा थी, क्योंकि जब एकजुट रहेगा विभाजन नहीं होगा तो देश जो है क्या है शक्तिशाली होगा, और विभाजन को स्वीकार कर लेना एक उचित उस समय समझा, क्योंकि इसके परिणाम से देश जो है एकदम दुर्बल हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश ये जानते थे कि देश का यदि विभाजन हुआ तो देश जो है क्या है निरंतर दुर्बल होता चला जाएगा, क्योंकि क्या है आपसी भेदभाव रुकावट तोड़फोड़ जो अपनाई जाएगी उसके कारण जो है उनको उसके विकास करने में उसको स्थिति में लाने के लिए शांतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने के लिए बहुत समय लग जाएगा। फिर लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयास, मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ किए गए थे उसमें जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को विश्वास दिला दिया था कि मुस्लिम लीग के बिना शेष भारत को शक्तिशाली और संगठित बनाना अधिक उचित होगा। इस तरह से गृह युद्ध पाकिस्तान और दोनों को ही एक का चुनाव करना था, और उन्होंने गृह युद्ध से बचने के लिए पाकिस्तान के निर्माण को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। फिर यहाँ पर बंटवारे के समय औरतों के क्या अनुभव थे, क्या अनुभव रहे होंगे, तो उस समय जो था विभाजन के समय औरतों के विभाजन के दौरान दर्दनाक जो अनुभव से उनको गुजरना पड़ा था, उनको बलात्कार निर्मम पीड़ा को सहन करना पड़ा, बार बार उन्हें बेचा गया खरीदा गया, अंजाम इतने हालात इतने ख़राब थे उस समय, अजनबियों के साथ एक नई जिंदगी जीने के लिए उनको विवश किया गया था। इस तरह से गहरे सदमे से गुजरने के बावजूद भी कुछ महिलाएं जो है बदले हुए हालात में भी नए पारिवारिक बंधनों में बंध गईं, और भारत पाकिस्तान की सरकारों ने
ऐसी मानवीय संबंधों की जटिलता के विषय में किसी भी संवेदनशील दृष्टिकोण को नहीं अपनाया, बल्कि इस प्रकार अनेक महिलाओं को भी बलपूर्वक घर में बिठा दिया गया था, नए परिवारों से छीनकर पुराने परिवारों के पास पुराने स्थानों पर भेज दिया गया था, जिससे महिलाओं की इच्छा जानने का प्रयास भी नहीं किया गया था। इस तरह से जो विभाजन के समय जो उस समय महिलाओं के साथ जो हो रही थी जिंदगी, जिस तरह से वे जी रहे थे, वे अपना फैसला स्वयं भी नहीं कर पा रहे थे। और जब परिवार के पुरुषों में इस भय की शत्रु और औरतों में माँ बहन बीवी बेटी की नापाक किया जा सकता था, इस तरह परिवार की इज्जत और मान मर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं ही उन्हें मार डालते थे या फिर उनको पर्दे में रखते थे। इस तरह से कई स्थितियां उस समय उत्पन्न हो गई थी। फिर बंटवारे के सवाल पर कांग्रेस की सोच कैसे बदली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही विभाजन का विरोध करती रही, किंतु अंत में परिस्थितियों के विवश होकर उन्होंने इस सोच को बदलनी पड़ी, क्योंकि विभाजन को तैयार होना पड़ा। क्योंकि इससे क्या होता कि अंग्रेज जो है लंबे समय तक अब उस समय भी शासन करते रहते, क्योंकि ये आपस में लड़ते रहते और देश जो है हमारा आज़ाद नहीं होता। इस तरह से जिन्ना ने भी 1937 में लीग में लखनऊ अधिवेशन में स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी और वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा। कांग्रेस के झंडे को प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा और उसका आदर करना पड़ेगा। इस तरह से भी जो मुस्लिमवादी थे, जो लीग मुस्लिम लीग के जो समर्थक थे, वे जिन्ना का भी समर्थन करने लगे थे। फिर 22 दिसंबर 1929 को लीग के जो संपूर्ण भारत में मुक्ति दिवस मनाया गया था, 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के एक प्रस्ताव प्रस्तुत मांग में हिंदुस्तान को उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र में जिन भागों में मुसलमान की संख्या अधिक है उन्हें इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए। मतलब इस तरह से उन्होंने क्या हुआ, देश को आज़ाद करने के लिए संतुष्ट हो गए थे। फिर यहाँ पर लीग का नारा भी था, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, किंतु इस नारे से ब्रिटिश साम्राज्य जो थे वे उसके विरुद्ध संघर्ष के रूप में धारण ना करें, इसलिए सांप्रदायिक दंगे का रूप धारण कर लिया था, जिसमें कि जाति हिंदू मुसलमान आपस में वे लड़ने लगे थे। इस तरह सांप्रदायिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। फिर इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी एक भली भांति समझ चुकी थी कि मुस्लिम लीग कट्टर सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बदलना संभव नहीं है। मतलब वे अपने उसको बहुत ही कट्टर रूप से मान रहे थे। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे महत्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं ने भी भारत विभाजन को के लिए मानने के लिए प्रयत्न प्रारंभ कर दिए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि इस देश का विभाजन ही देश की आज़ादी का मुख्य कारण होगा, क्योंकि ये जो है जब तक विभाजन नहीं होगा देश हमारा पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं होगा। फिर भारत छोड़ने की तिथि जो जून 1948 के स्थान पर 15 अगस्त 1947 को निश्चित कर दी गई थी, और कांग्रेस को अनिवार्य रूप से गृहयुद्ध था या पाकिस्तान, इन दोनों में से एक का चुनाव करना था। इस तरह से कांग्रेसियों की सोच में भी परिवर्तन आया था। फिर मौखिक इतिहास के फायदे नुकसान पड़ताल कीजिए, जिसमें मौखिक इतिहास के पद्धति को विभाजन करने में हमारी समझ को किस तरह विस्तार मिलता है। तो इसमें यह है, इतिहास के पुनर्निर्माण में हमें स्मृतियों की सहायता मिलती है कि हम किस तरह से जो हमने उस समय गलतियां की उससे हम देश को बचा सकते हैं। तो इसमें अनुभव और स्मृतियों की जो सूचना को समझने के लिए अवसर प्रदान करता है। फिर इतिहास के उसमें भावनाओं की समस्याओं, कष्टों का जन सामान्य के विभाजन के दौर में गुजरना पड़ा, ये सारी चीज़ें हमें ये पढ़कर ये पता चलता है। फिर विभाजन स्वरूप सामान्य लोगों ने किन हालातों से उन लोगों ने गुजरना पड़ा था उनको, और विभाजन को लेकर जन सामान्य ने क्या अनुभव किया, ये सारी चीज़ें जो सरकारी रिपोर्ट हैं, फाइलें हैं, उससे हमें पता चलता है। सामान्यतः हम जिन इतिहास को हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारा बीता हुआ जो कल होता है वह इतिहास ही कहलाता है। आज भी हम हैं तो ये समय जो बीत जाएगा वह कल क्या हो जाएगा, इतिहास बन जाएगा। ये सारी चीज़ें लिखित रूप में होने से हम उसको पढ़ते हैं, क्या गलतियाँ किए हैं, क्या सुधार होना चाहिए, जैसे जैसे समय आता जाता है तो हम उसमें सुधार करते चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें लिखित में जो हैं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, ये आप लोग कॉपी में करना है, समझना है और उसको लिखना भी है, ताकि ये आपको परीक्षा के लिए तैयारी करने में आसानी हो जाए।